महेश्वरी समाजना अग्रणीय पर रूपियानी लेती देती में तेओना घर में घुसी हुमलो करायो हतो, जे मामले अठवा पोलिस मथके फरियाद नोंधावा पामी छे। अठवा पोलिस पासेथी मळती माहिती मुजब मजूरा गेट खाते रहता ने महेश्वरी समाजना अग्रणीय तथा कापड़ना वेपार साथे संकळायेला नरेन्द्र साबुए नोंधायेली फरियाद में जणाव्यु हतु के तेओए सिस्को इंडस्ट्रीजना सिद्धार्थ जैन, सौरभ जैन अने तेना पिता भरत जैन ने वर्ष 2014 में धंधा माटे 20 लाख रुपया उछीना आप्या हता, जेमांथी तेओए 9,15,000 परत करी बाकी रहेला 10,85,000 आप्या न हता, जेने उघराणी करता सिद्धार्थ जैन सहित नवे घर में घुसी जाए गाळो आपी रुपया नहीं मांगवानी धमकी आप्या न हुमलो कर्यो हतो। जी सर, आपका नाम? नरेंद्र भाई साबू। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या छेतरपिंडी हुई, क्या हुआ वाक्य? देखिए, ऐसा है कि 2014 में हमारी इनकी भरत भूषण जी के परिवार से जान पहचान हुई थी और उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो वो हमारे पास मिलने के लिए आए थे मई 2014 में कि हमारे व्यापार में बहुत मंदी चल रही है तो आप हमको कुछ 25-1 लाख रुपए की हेल्प करिए, तो अभी आपके हम एहसान मानेंगे और आप जब मांगेंगे तो हम वापस कर देंगे उनको। फिर हमने 20 लाख रुपये का 21 मई को 2 RTGS करा था संभव इन्वेस्टमेंट्स के नाम से, उनका लड़का सौरभ उसमें है, सौरभ भाई और सिद्धार्थ भाई ये लोग हैं उसके अंदर, तो हमने 20 लाख का RTGS करा था। फिर हमने उनको भाई ज़रूरत पड़ी, हमने उनसे थोड़ा पैसा मांगा तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके हमको 9,15,000 रुपये दिए, फिर हमारा बाकी का पैसा निकलता था 10,85,000। तो हमने उनसे मार्च के महीने में मांगनी करी तो उन्होंने हमको 20 लाख के 2 चेक दे रखे थे, जब हमसे उन्होंने 20 लाख रुपए लिए थे PDC के 2 चेक दे रखे थे, तो उनका लड़का आया हमारे घर पे सौरभ, तो बोले जी ये चेक आप 3 अप्रैल को भर देना। और फिर अपना 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था, हमने मानवता के नाते चेक नहीं भरा भाई, कोई सबकी सबका ही धंधा बंद है तो हमने चेक नहीं भरा। फिर जब लॉकडाउन खुला है 1 जून को, तो हमने उनको वापस तीनों फादर बच्चों उनके दोनों बच्चों को फोन किया, हमारा पेमेंट आप क्लियर करा दीजिए, तो सौरभ भाई बोले कि हम आपको 15 जून को ये पैसा आपको आप चेक भर देना। फिर वो उनकी बात से उसके बड़े भाई का फ़ोन आया, वो बोले जी अभी आप हम मिलते हैं, मतलब कहने का था वो टालम टोल कर रहे थे। फिर हमने उसको बड़े भाई को बोला भाई तू क्या साफ बात बता इसका होगा क्या, बोले जी आपको पैसे की बहुत उतावली है। फिर वो हमसे 16 तारीख को हमारे घर पे अचानक आ गया 11 बजे, बिना बताए बिना कहे अचानक हमारे घर पे प्रवेश कर लिया। मैं अपने रूम में नीचे रूम में बैठा हुआ था और उसने वाइफ भी मेरे साथ थी और उसने हमको बोला भाई तुमको पैसे की बहुत पड़ी है, कभी पैसा तो चाहिए हमको, तो बोला नहीं अभी पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, चेक भी नहीं भरने का। और उसने फिर गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी और हमको बोला कि अगर ज़्यादा आप बोलोगे तो हम आपको मार देंगे, तो ये सब ये बवाल होकर हमारे पिताजी माताजी सब ऊपर से दौड़ के आए और फिर वो गाली दे के निकल गया हमको। क्या चाहते हैं अभी आप पुलिस से? भाई हम तो चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और जो उसको शिखामण मिलनी चाहिए उसको जो भी है उसको जो भी उसको उचित दंड मिलना चाहिए और हम चाहते हैं हमारा पैसा हमको मिल जाए तो अच्छी बात है, यही चाहते हो तो क्या चाहते। हाल तो अठवा पोलिस मथके नरेंद्र साबुए फरियाद नोंधावता अठवा पोलिसे गुनो नोंधी वधु तपास हाथ धरी छे। ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।